चलें जनाब, मेरी चाय तो हो गई है, अब चलते हैं मंजिल की तरफ। मैंने मैप जो है ना गलत लगा लिया था, आई मीन गलत तो नहीं लगाया था, वो दूसरा वाला मैप लगा लिया था। वो मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे गलत जगह पे ले आया है। बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है और अब गाड़ी भगानी पड़ेगी क्योंकि मैं गलत आ चुका हूँ। तो आई नीड टू सेव टाइम। बारे में भी आपको बताते चलूँ, मैप्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग नहीं समझते इस चीज़ को, मैं भी नहीं समझता था। गूगल मैप स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक दो मैप्स और हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उसने धोखा दे दिया आज मुझे। गूगल मैप्स जो है वो आपको अगर आपको लोकेशन मालूम भी है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे लोकेशन नहीं मालूम उसकी, तो अगर आपको लोकेशन मालूम भी है उसके बावजूद भी आपको मैप यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास डेटा होना चाहिए अपडेट्स के लिए, लाइव अपडेट्स। अगर एक्सीडेंट होता है कहीं पे, अगर ट्रैफिक जाम होता है, रोड क्लोजर होता है, व्हाटएवर, तो वो आपको अपडेट देता है, वो आपको दिखाता है मैप में कि इस जगह ट्रैफिक है, आपको ये रोड जो है ये आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको दूसरी तरफ से जाना चाहिए। यूज़ किया उसकी वजह थी एक, लेकिन वेज यूज़ करने की वजह से वेज मुझे गलत जगह पे ले गया। उसको गाड़ी आ रही है आगे से, ओवरटेक नहीं कर सकते, टू वे रोड है। और आगे टर्न भी है तो बेहतर है ओवरटेक ना करें, क्योंकि आगे की ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही मुझे। दुबई में आपको सहरा बहुत नज़र आएगा, ये रेत बहुत नज़र आएगी आपको, लेकिन इससे बिल्डिंगें नहीं बना सकते ये लोग। दुबई में जो बिल्डिंगें बनती हैं उसके लिए रेत दूसरी जगहों से आती है, मतलब उसके लिए मिट्टी जो होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो दूसरी जगहों से आती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मिट्टी जिनसे बिल्डिंगें बन सकती हैं वो एक वक्त आएगा कि नापीद हो जाएगी, और फिर शायद हम लोग आगे और बिल्डिंगें नहीं बना सकें, या कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी उसको बनाने के लिए, हमें कोई और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब ये सॉलिड लाइन है, इससे पहले आप देख रहे थे लाइन में गैप्स थे, अब ये देखें दो लाइन जो हैं, ये दो लेन जो हैं इनके बीच में सॉलिड लाइन है। तो सॉलिड लाइन जहाँ पे होती है उसका मतलब होता है यहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते, और जहाँ पे सॉलिड लाइन नहीं हो वहाँ पे आप डैशेस में हो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आप देखें सॉलिड लाइन है, राइट साइड पे डैशेस है।